दोस्तों, स्वागत है अनबॉक्सिंग बीट में। और जैसे आपको पता है, आईफोन 12 हो गया है लॉन्च, और उसके साथ इन्होंने जो लॉन्च किया है अपना आईपॉड मिनी, जो उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे जो इवेंट में अभी लॉन्च हुआ है, इनका आईफोन 12। तो चलिए जानते हैं क्या है इसकी स्पेसिफिकेशंस और क्या है इसके अंदर खास जो आज आईफोन ने लॉन्च किया है। दोस्तों, आईफोन 12 आता है 5G अल्ट्रा वाइड बैंड के साथ। जो इसकी स्पीड है बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, जो एप्पल क्लेम करता है। तो दोस्तों, जो इसकी स्पीड है डाउनलोड की, वो आपको 4 GB की स्पीड आपको मिल जाएगी डाउनलोड की। और साथ में जो अपलोड की स्पीड है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो आपको इसमें मिलेगी स्पीड, वो मिलेगी आपको 200 MBPS की स्पीड दोस्तों, जो बहुत ही अच्छी स्पीड है, जो एप्पल आपको क्लेम कर रहा है इन आइडल कंडीशंस। जो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कितने कलरों में आता है ये। एक्चुअली 5 कलरों में इन्होंने लॉन्च किया है आईफोन 12 को। जो इसमें 5 कलर हैं, आपको अपने स्क्रीन के ऊपर सामने आपको दिख रहे होंगे। तो बहुत ही खूबसूरत कलरों के साथ ये लॉन्च किया है आईफोन 12 इन्होंने दोस्तों। चलिए अभी ये बताता हूँ मैं आपको कि इसकी जो स्क्रीन साइज है 6.1 इंचेस की है। और साथ में इनका क्लेम है कि आईफोन 12 जो है 11% थिनर, 15% स्मॉलर और साथ में 16% लाइटर है दोस्तों। जो इसका स्क्रीन है दोस्तों, वो है सुपर रेटिना XDR का, और ये 2 टाइम्स इसके पिक्सल ज़्यादा हैं आईफोन 11 से। तो स्क्रीन की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी आएगी। 460 PPI के साथ ये आईफोन 12 आया है। चलिए दोस्तों, अब इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात कर लेते हैं। ये सिरामिक शील्ड टेक्नोलॉजी के साथ आता है। तो एप्पल क्लेम करता है कि यदि फ़ोन आपका गिर जाए तब भी ये 4 टाइम्स पिछले वाले फ़ोन जो आईफोन 11 है उससे भी ज़्यादा आपका जो प्रोटेक्शन है इसको 4 टाइम्स बढ़ा देता है, जो सिरामिक शील्ड जो इसकी टेक्नोलॉजी जो ये लेकर आए हैं। सो दोस्तों, जो ये इसमें है स्मार्ट डाटा मोड दे रखा है, जो 5G या 4G के बीच में अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्विच करता रहेगा। और दोस्तों, जो इसका परफॉर्मेंस है ये बेस्ड है A14 बायोनिक चिप के ऊपर। तो दोस्तों, ये बहुत ही फास्ट चिप है और 5 नैनोमीटर प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और साथ में इसमें 11.8 बिलियन ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। और इसका जो GPU है वो 50% फास्टर है अपने प्रीवियस चिप से। अब आपको अपने स्क्रीन में इसका पूरा ओवरव्यू दिख रहा होगा। A14 चिप का जितना भी इस पे स्पेसिफिकेशंस है आपको सामने दिख जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम इसके कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें दोस्तों 2 कैमरा दे रखे हैं, जो दोनों 12 मेगापिक्सल के हैं। जो पहला है वो अल्ट्रा वाइड वाला है, जो 120 फील्ड ऑफ व्यू देगा आपको, 2.4 अपर्चर के साथ आता है। और जो दूसरा है वो 12 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा है, जो 100% फोकस और 1.6 अपर्चर के साथ आपको मिलता है। इसमें आप लो लाइट फोटोग्राफी भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जो इनके दोनों कैमरे हैं वो आपको लो लाइट में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, जो ये एप्पल आपको क्लेम करता है दोस्तों। आईफोन 12 वायरलेस चार्जिंग के साथ आता है, जो आपको 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है। दोस्तों, अब चलिए हम बात करते हैं जो इनका दूसरा मॉडल है, वो है आईफोन 12 मिनी। इसकी स्पेसिफिकेशन ओवरऑल सेम है, प्राइस आपको कम मिल जाएगा। जो स्क्रीन साइज़ है दोस्तों, ये है 5.4 इंच की स्क्रीन साइज़ आपको मिल जाएगी। और ये भी 5G कैपेबिलिटी के साथ आता है। और इसके सारे स्पेसिफिकेशन वैसे ही हैं जो आपके आईफोन 12 के थे। तो इसमें बस जो अंतर है वो है साइज़ का, और जो पिक्सल डेंसिटी है उसका अंतर है, बाकी सब कुछ आपका सेम है। आपको पूरी स्पेसिफिकेशन अपनी स्क्रीन पे दोस्तों अभी आपको दिख रही होगी। तो दोस्तों, अब हमने बात कर ली आईफोन 12, आईफोन 12 मिनी की। अब बात करते हैं आईफोन 12 प्रो की। तो जानते हैं इसकी क्या है स्पेसिफिकेशन और इसमें क्या है खास। तो दोस्तों, जो आईफोन 12 प्रो है वो 3 कैमरा सेटअप के साथ आता है और 4 डिफरेंट कलर में आता है। तो
तो इसमें जो कैमरा है वो बहुत अच्छा लगा रखा है, जो आप कंपेयर करेंगे आईफोन 12 और आईफोन 12 मिनी से। इसमें आपको सेरेमिक शील्ड मिल जाएगी जो पहले भी उस प्रीवियस मॉडल में था, साथ में IP68 अप टू 6 मीटर तक ये आपको वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस देगा। साथ में दोस्तों, जैसे कि आपको पता था, मैंने आपको बताया था कि आईफोन 12 मिनी में वायरलेस चार्जिंग दे रखी है, 15 वाट तक की फास्ट चार्जिंग वो भी इसमें अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये 6.7 इंच की स्क्रीन के साथ आता है, और दोस्तों इसकी जो पिक्सल डेंसिटी है वो 458 PPI की है। तो दोस्तों, जो इसकी फ़ोन की जो क्वालिटी है, आपके पिक्चर की क्वालिटी है वो तो बहुत ही अच्छी है। जो आप इसको कंपेयर करेंगे iPhone 12 और iPhone 12 मिनी से, तो इसमें जो इसकी जो स्क्रीन की क्वालिटी है उससे काफ़ी बेहतर है iPhone 12 Pro। चलिए दोस्तों, अब हम इसके कैमरे के बारे में बात कर लेते हैं, जिस पे एप्पल ने बहुत ज़्यादा फोकस कर रखा है। दोस्तों, ये 3 कैमरे के सेटअप के साथ आता है। जो पहला कैमरा है वो आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड 2.4 अपर्चर के साथ मिल जाएगा। दूसरा है 12 मेगापिक्सल का वाइड 1.6 अपर्चर के साथ। जो इसका तीसरा कैमरा है दोस्तों, वो 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है, जो 2.0 अपर्चर के साथ और 4x ऑप्टिकल जूम आपको देता है। इसमें दोस्तों, जो इन्होंने जो सेंसर दिया है 47% ज़्यादा है, तो इससे क्या होता है, जो आपको 87% लो लाइट जो आपका फोटो है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। आईफोन पहली बार SDR वीडियो रिकॉर्डिंग लेके आया है। इसका मतलब है दोस्तों कि 10 बिट हाई डायनेमिक रेंज की रिकॉर्डिंग कर सकता है, जिसमें 700 मिलियन कलर्स कैप्चर होंगे, जो पहले के मुकाबले 60% ज़्यादा है। ये पहला ऐसा कैमरा है जो डॉल्बी विजन SDR से रिकॉर्डिंग करता है, और साथ में दोस्तों ये 4K रिकॉर्डिंग करता है 60 फ्रेम पर सेकेंड। ये दोस्तों लाइडर स्कैनर के साथ आता है, जिसका मतलब है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये मेजर करता है कि लाइट कितने देर पे ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी और कितनी देर पे ये वापस आ जाएगी। तो दोस्तों, इससे ये फ़ायदा होता है कि ये जो लो लाइट है वहाँ पे आपको फोकसिंग करने में काम आएगा। साथ में आप जो इससे आप रूम स्कैनिंग कर सकते हैं, और साथ में AR ऑब्जेक्ट्स को सही जगह पे प्लेस भी कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो दोस्तों, ये थे तीनों फ़ोन के स्पेसिफिकेशन जो आज एप्पल ने अपने इवेंट में लॉन्च किए थे। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिएगा। मैं ऐसे वीडियो और भी लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।